शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 367 अंकों के उछाल के साथ खुला। आज सुबह अर्निया सेक्टर में दिखी गई संदिग्ध चीज, फायरिंग के बाद पाकिस्तान लौटा बीएसएफ। कोरोना पर एनआईडीएम ने पीएमओ को सौंपी रिपोर्ट, तीसरी लहर में बच्चों पर कहर का अंदेशा। यूपी कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हेल्टर स्टेडियम में शुरू। अमेरिकी सांसद ने कहा, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में पाकिस्तानी खुफिया विभाग ने निभाई अहम भूमिका। इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E1702 11 लोगों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। आज 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में मिलेगा पीएम मोदी से। बीते 24 घंटे में ब्रिटेन में कोरोना के 32,000 के ऊपर नए मामले, PLFI का एरिया कमांडर जौहर गिरफ्तार, चकमा देकर भाग निकले दो अन्य अग्रवादी। दही हांडी को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ आज बैठक। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, उम्मीद है अमेरिका का अफगानिस्तान मिशन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी के 8 सैन्य विमानों ने काबुल एयरपोर्ट में फंसे 1700 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में आज से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगी एंट्री। बलूचिस्तान आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी की मौत, दो जवान घायल। राष्ट्रपति बाइडेन का सवाल, अगर आज नहीं तो कब छोड़ेंगे अफगानिस्तान? बाइडेन ने कहा, आतंकी स्थिति का फायदा उठा सकते हैं, पैनी नजर रखी जाए। अफगानिस्तान 30 लोगों को लेकर एक और विमान भारत पहुँचा। पंजशीर के लड़ाकों ने किया दावा, मारे गए 300 तालिबानी आतंकियों का। पंजाब कश्मीर पर विवादित बयान के बाद सियासी तेज, कैप्टन अमरिंदर के बचाव में आए मनीष तिवारी। WHO ने कहा, तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में 300 से अधिक लोग विस्थापित हैं। बीजेपी नेता कल्याण सिंह का आज अलीगढ़ में अंतिम संस्कार होगा। नीतीश कुमार आज करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात, जातिगत जनगणना पर चर्चा। अफगानिस्तान साथ आए WHO और यूनिसेफ, कहा देश को मिलती रहे जरूरी दवाइयां। आर्थिक मामलों के आयोग के स्क्रैप मेटल के निर्यात पर लगाई रोक। पंजशीर घाटी में और बड़े 100 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके।